हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज के छिलके से टूटी फूटी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके से टूटी फूटी। तो टूटी फूटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज के छिलके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तरबूज के छिलके ले रखी हूँ। ऐसे तो टूटी फूटी कच्चे पपीते से बनता है, पर मैं ये तरबूज के छिलके से टूटी फूटी बनाऊंगी। इसे भी बहुत अच्छा टूटी फूटी बन जाता है। आप इसे 6 महीने तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। और टूटी फूटी हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। केक बनाते हैं, शेक बनाते हैं बच्चे के लिए, तो उसमें डालने के लिए बहुत ही काम आता है टूटी फूटी हमें। तो चलिए इसके कैसे कट करना है कट कर लेते हैं। तो बाकी छिलकों को हम इधर साइड में रख लेंगे और एक छिलके को मैं काट रही हूँ। तो पहले ये जो लाल है हमारा, ये पका हुआ, ये हम पहले निकाल लेंगे। ये हमें नहीं चाहिए, नहीं तो टूटी फूटी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये लाल वाले हिस्से को हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं इसे निकाल लेंगे। और एक तरीका है कि आप छील कर भी इसे निकाल सकते हैं, टूटी फूटी कट कर सकते हैं और एक ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो बिना छीले हुए हम इसमें ऐसे निशान लगा देंगे और इसमें ऐसे निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं निशान लग गया है। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे भी बहुत आसानी से टूटी फूटी हमारा देख सकते हैं निकल जाता है। और छिलके साइड में रख देंगे, देख सकते हैं अलग अलग निकल जाएगा। इसका भी लाल हिस्से निकाल लेंगे और इसको मैं छील के निकाल रही हूँ। दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप टूटी फूटी को कट कर सकते हैं। अब इसका छिलका निकल गया, हमें ये ग्रीन छिलके भी इसमें नहीं चाहिए और ये रेड कलर का जो पक्का वाला है वो भी हमें नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी आप कट कर सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप टूटी फूटी को काट सकते हैं। तो सारे टूटी फूटी को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे तरबूज आता है, तो ऐसे कट कर लेते हैं। और इसका जो ये लाल वाला हमारा पोषण है उसे हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा खाने में यूज हो जाता है और ये हम फेंक देते हैं, ये हमारा कोई काम की नहीं रहता है। तो इसी छिलके से टूटी फूटी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सारे छिलके हम कैसे, आप देख सकते हैं इसके लाल वाले पोषण भी छील लिया है और छिलके भी निकाल लिया है। तो अब सारे छिलके को ऐसे हम टूटी फूटी के शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे छिलकों को काट लिया है। तो इसमें अब इसको एक दो बार वॉश कर लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे। अब इसे छान लेंगे, एक प्लेट में डाल लेंगे छान कर। तो आप देख सकते हैं दो बार अच्छे से वॉश करके छान लिया है। तो अब इसे उबाल लेंगे। तो चलिए अभी इसे पानी में उबाल लेते हैं। तो यहाँ गैस के ऊपर पतीले में एक गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम टूटी फूटी को डाल देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं टूटी फूटी में हमारा उबाल आ चुका है। तो उबाल आने के बाद 7 से 8 मिनट हम इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट उबलने के बाद इसका कलर कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब गैस को बंद कर देंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं ठंडा करके इसे छान लिया है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं और ये आधा कुक हो गया है। और फिर से हम यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे, इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। अब चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। तो जैसे ही चीनी हमारा मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे ये उबला हुआ टूटी फूटी। अब इसे चीनी के साथ 7 से 8 मिनट के लिए इसे पका लेंगे।
तो उबले हुए अपने टूटी फूटी को चीनी के साथ 7 से 8 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। तो इस तरीके से चीनी में 7 से 8 मिनट टूटी फूटी को पका लेने से चीनी टूटी फूटी के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो टूटी फूटी हमारा खाने में बहुत ही रसीला और टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं चीनी के साथ टूटी फूटी को पकाते हुए हमें 8 मिनट हो गया है और टूटी फूटी के अंदर चीनी हमारा ऑब्जर्व कर लिया है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा से ये पक भी चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको जितने कलर में आपको बनानी है टूटी फूटी उतने कटोरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कलर में बनाने वाली हूँ, इसीलिए 3 कटोरी यहाँ पर ले रखी हूँ। तब तीनों कटोरी में टूटी फूटी को डाल लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं येलो कलर डालूंगी और एक में ग्रीन कलर बनाऊंगी और एक में रेड कलर डालूंगी। तो सारे कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों कलर अच्छे से बना ली हूँ। तो ये कलर तीनों हमारा खाने वाला कलर है, ये नुकसान नहीं करता है, कोई भी खाना में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कलर बना ली हूँ। अब इसे 3 से 4 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो कलर हमारा है चीनी है अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, मिल जाए। तो चलिए अभी इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 3-4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया कलर आया है। तो अभी इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और इसमें छन्नी रखेंगे। इतना इसका जूस है, सारे जूस हम निकाल लेंगे। ऐसे तीनों कलर का टूटी फूटी को हम छान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्मोनियम फॉइल पे टूटी फूटी को फैला दिया है सूखने के लिए। तो अगर आप इसे धूप में सुखाना चाहते हैं तो ज़्यादा तेज़ धूप में इसे ना सुखाए, 1 दिन के लिए हल्का धूप में सुखा सकते हैं। नहीं तो पंखे के नीचे ये बहुत आसानी से 1 से 2 दिन में ये सूख कर तैयार हो जाता है। तो मैं तो इसे धूप में नहीं सुखाऊंगी, पंखे के नीचे ही सुखाने वाली हूँ। तो चलिए अभी इसे पंखे के नीचे डाल देते हैं सूखने के लिए। और ये जो उसका पानी निकला है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका शरबत बना लेंगे। तो ये भी हमारा यूज में आ जाएगा। तो तीनों टूटी फूटी का कलर जो है पानी हम निकाल करके रख लिए हैं शरबत बनाने के लिए। तो टूटी फूटी को अब सूखने के बाद कल दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टूटी फूटी हमारा सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं धूप में नहीं सुखाई हूँ, पंखे में ही सुखाई हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग हो गया है सूखकर, और बिल्कुल डराई ज़्यादा नहीं हुआ है, अंदर से रसीला है। जैसे बाहर के खरीदा हुआ मार्केट का जो टूटी फूटी मिलता है वैसी सेम बना है। टूटी फूटी हमारा सूखकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसे धूप में ना सुखाए, पंखे में सुखाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा आपका टूटी फूटी बनेगा। तो ये लीजिए तरबूज के छिलके से बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा टूटी फूटी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।